Assalamu alaikum everyone, myself Faiza and who are you all? I hope you all are doing fine, and if you people are new over here then welcome, and if you're not then welcome again. Okay, so now we are going to discuss rules of tendons and ligaments, and as well as we are going to discuss contribution of vesicles. So first of all we are going to discuss that the role of tendons and ligaments. Okay, first of all, tell me one thing, that how are you all, okay? Let me know in the comment section, how are you all? And after that, we're going to start that what is role of tendon and ligaments, okay? This is very easy and very, very, very cheap topic, okay? Because ke ye jo topic hai, ye bahut zyada easy hai, as well as ye jo scientist hai, ye bahut zyada important hai and bahut zyada easy hai. अगर आप इसको जो है अच्छी तरह से समझ के याद करती है तो आपको इस वीडियो के देखने के बाद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ओके? और अगर आप रटा लगाते हैं तो आप इसको कभी भी याद नहीं कर सकेंगे, बिकॉज जो भी चीज़ हम याद करते हैं ना, उसको हमें समझ के याद करना पड़ता है. अब ये नहीं है कि उसको हम रटा लगा ले तो हमें याद हो जाएगा. वो याद होगा एक मिनट के लिए या एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, एक दिन के लिए, फिर से हमें वो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, ओके? नीचे गिर गई थी. Anyway, we are going to discuss role of tendons and ligaments. What is tendon and what is ligaments? First of all, we are going to discuss tendons. What is actually tendons? जो tendons होते हैं, tendons क्या होते हैं? Tendons are tough connective tissue. ये tough connective tissue. Connective tissue कौन से होते हैं? जिससे हमारे ये tendons मिलकर बने हुए होते हैं. Is that clear? So next, जो tendons होते हैं, tendons attach muscles to bones. जो tendon का function होता है basic, वो क्या होता है कि ये जो हमारे muscles होते हैं उनको bone के साथ attach करते हैं, okay? जो हमारे muscles होती हैं उनको bone के साथ attach करने का काम किसका होता है? हमारे tendons का होते हैं. अब जिस तरह से जो हमारे मसल्स के साथ बोन अटैच हुई हुई है, अब जिस तरह से ये हमारे पास, ये जो हमारे पास एल्बो है, ये इसके साथ ऊपर ट्राइसेप और नीचे बाइसेप, तो ये जो मसल्स है, ये मसल्स को बोन के साथ अटैच करने का जो फंक्शन होता है वो कौन परफॉर्म करता है? वो एक्चुअली टेंडन परफॉर्म करता है. जो टेंडन होते हैं ये हमारी मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट हम देखेंगे जो लिगामेंट्स है वो किसके साथ किसको अटैच करता है. टेंडन्स का तो अब क्लियर है ना कि जो है ये किसके साथ किसको अटैच करता है. हमारी बोन को मसल्स के साथ अटैच करने का काम किसका होता है? या करेक्ट, मसल्स मसल्स को बोन के साथ अटैच करने का काम टेंडन्स का होता है. इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. आप समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इतना बड़ा पैराग्राफ है, सो ये बहुत ज़्यादा इजी एंड सिंपल है, ओके? पहले भी जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा था मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, बट जब मैंने समझा तो मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा, और आपको भी इजी लगेगा अगर आप इसको समझ के याद करते हो. तो कि अगर आप रटा लगाते हैं, नोटबुक पकड़ के इस तरह से, ये टॉपिक है ना ये वाला, इसको अगर आप ऐसे इस तरह से रटा लगाते हैं कि ये क्या है, तो इस तरह से करते हैं तो आपको याद नहीं होगा, ओके? और जब तक आप समझ के याद नहीं करोगे तो आपको याद कभी भी नहीं होगा, ओके? एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत ज़्यादा हमने आज बातें कर ली, सबक तो कम ही पढ़ा है, पर एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड. के जो हमारे पास टेंडन्स होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाता है? वेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं? इट एग्जर्ट्स पुलिंग फोर्स. ये हमारे पास पुलिंग फोर्स एग्जर्ट करती हैं. कौन सी फोर्स एग्जर्ट करते हैं? पुलिंग फोर्स. इज दैट क्लियर? ऑन द अटैच बोन. कौन सी बोन के ऊपर ये पुलिंग फोर्स एग्जर्ट करते हैं? अटैच बोन, जिसके साथ मसल्स अटैच हुए हुए हैं. एज अ रिजल्ट जो बोन है इज पुल टूवर्ड द मसल्स. इस तरह से जो हमारी बोन होती है वो किसकी तरफ पुल होती है? मसल्स की तरफ, मसल्स की तरफ, राइट? सो नेक्स्ट हम देखते हैं लिगामेंट्स को. व्हाट इज लिगामेंट्स? इज अ टफ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच होल्ड्स द बोन एट द जॉइंट इन प्लेस. कि जो हमारे पास लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स जो है ये एक्चुअली टफ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है. दैट इज टफ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का एक टफ बैंड है जो किसको किसके साथ अटैच करता है? जो हमारे पास जो बोन है, बोन को अटैच करने का काम जॉइंट्स के साथ इन प्लेस. किस तरह से? कोई भी हमारा जॉइंट्स है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है,
जो भी जॉइंट है ओके, तो उसको अटैच करने के दरमियान जो हमारे पास हेल्प करता है वो कौन करता है, लिगामेंट्स ओके, लिगामेंट्स। अब जिस तरह से ये जॉइंट है इसको जिसने अटैच किया हुआ है, वो जिसने जॉइंट हैंड्स ही को हुई जो है। अटैच करता है ना, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो जॉइंट्स है ना इस इन दोनों को जो अटैच करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स ओके। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं लिगामेंट्स होगा, तो उसको इस दोनों ने अटैच किया हुआ है। इस तक क्लियर, ये आपको क्लियर नजर आ रहा सो होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कंट्रीब्यूशन ऑफ वसीलियस, हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ह्यूमन स्केलेटन डिस्कवर किया था। सो दिस इज वसीलियस एंड इसको अब हम डिस्कस करेंगे। ये जो वसीलियस है, ये जो साइंटिस्ट है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल के साथ डिस्कवर बात करेंगे इसके ऊपर कि जो है इन्होंने कब कब कौन सा स्केलेटन डिस्कवर किया, और इन्होंने कितने कौन सी बुक कब लिखी, और उस बुक का नेम क्या है, और उसके जो उनके जो आर्टिस्ट हैं, उनके जो फ्रेंड हैं, उन्होंने उनके लिए क्या कुछ किया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी। तो ये सारा हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, वसीलियस के अंदर डिस्कस करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ वसीलियस। जो वसीलियस थे ना वो एक साइंटिस्ट थे ओके। तो जो वसीलियस है वो 1514 से लेकर 1564 तक क्या करते रहे, डिस्कवरीज करते रहे, कंट्रीब्यूशंस करते रहे ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो जो हम कहाँ पर वसीलियस, पैदा हुए, वसीलियस वॉज बॉर्न इन ब्रसल्स ओके। अब हम पूछ रहे होंगे ब्रसल्स का क्या मीनिंग है। अरे ये जो ब्रसल्स है ना, ये एक प्लेस है, एक जगह का नेम है जहाँ पर वजीलियस पैदा हुए थे ओके। इस क्लियर, वजीलियस वॉज बर्न इन ब्रसल्स। ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ वजीलियस है आज मैं आपको पूरा याद करवा के जाऊंगी। इस क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है ही वॉज प्रोफेसर ऑफ एनाटमी। ये एनाटमी के प्रोफेसर थे, क्या थे, प्रोफेसर थे कहाँ पर, एट पाडुआ यूनिवर्सिटी, यूनी मीन यूनिवर्सिटी ओके। सिंपल जिस वर्डिंग वर्डिंग में बोलते हो ब्रो, ब्रदर को ब्रो एंड सिस्टर को सिस, उसी तरह से यूनिवर्सिटी को भी हम सिंपल वर्डिंग में क्या बोलते हैं, यूनी ओके। तो यहाँ पर जो ये थे, ये ही वॉज प्रोफेसर ऑफ एनाटमी इन पाडुआ यूनिवर्सिटी, सॉरी एट पाडुआ यूनिवर्सिटी इन इटली, इटली के अंदर पाडुआ यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्या थे, एक प्रोफेसर थे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या था, इन 1543 के अंदर उन्होंने क्या किया, ही रोट अ फर्स्ट मेजर बुक ऑन ह्यूमन एनाटमी। उन्होंने एक किताब लिखी किसके ऊपर, ह्यूमन एनाटमी के ऊपर। इज दैट क्लियर। और उसका नाम क्या था, इट वॉज कॉल्ड डी हमानी कॉर्पस फैब्रिका, द फैब्रिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कि उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था डी हमानी कॉर्पस फैब्रिका, राइट। सो नेक्स्ट वन इज ही वर्क क्लोजली विद फेमस इटीटियन, ही वर्क क्लोजली विद फेमस इटीटियन आर्टिस्ट, जिन आर्टिस्ट जो थे उनका नेम क्या था, टीटियन। उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी अपने फ्रेंड के लिए, वजीलियस के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी अपने किसके लिए, दोस्त के लिए। उनका दोस्त कौन था, वजीलियस। तो वजीलियस की बुक के लिए उन्होंने क्या किया, इतने बड़े बड़े स्केचेस बनाए किसके, स्केल्टन के। तो ये जो सारे स्केचेस बने हुए होते हैं ना, ये किसने बनाए थे, टीटियन थे। किसके लिए, अपने दोस्त वजीलियस के लिए, उसकी बुक के लिए। इज दैट क्लियर। कितने बनाए, 277 एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन किसको कहते हैं, स्केचेस को कहते हैं, वो जो कि कहते होते हैं, उस दिन मैं एक वीडियो देख रही थी ग्राफिक डिज़ाइनर की, यस, उसके अंदर क्या कहते होते हैं कि एक जो होता है हमारे पास फोटोग्राफी होता है, एक इलस्ट्रेशन होता है, तीसरा पता नहीं कौन सा होता है, मुझे नहीं पता। और जो इलस्ट्रेशन होता है उसका जो मीनिंग होता है उसके अंदर पता है, उसके आप क्या पता, बता उसके रहे ऊपर थे डिज़ाइनिंग करते हो, तो वो क्या होता है, स्केचेस की फॉर्म में। मतलब जो आप ऊपर कोई भी चॉकलेट है तो चॉकलेट की पिक्चर बना देना, क्या हुआ, एक इलस्ट्रेशन हुआ। तो उसी तरह से जो हमारे पास टीटियन थे, उन्होंने वजीलियस के लिए क्या बनाए थे, 277 एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशन, मतलब स्केचेस बनाए थे किसके, ह्यूमन स्केलेटन के ओके। एंड ही आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन इंक्लूडिंग नंबर ऑफ बोन्स, एंड ही आल्सो डिस्क्राइब द सोर्स एंड पोजीशन ऑफ ईच मसल्स, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। दिस इज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ वसीलियस एंड रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। एंड एवरी वन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू टेल मी दैट दिस इज गुड और नॉट ओके, जस्ट टेल मी दिस इज गुड और नॉट।
अगर आपको, अगर आप चाहती हैं मुझे कोई एडवाइस देना कि इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट करें और ये इम्प्रूवमेंट करें, सो यू टेल मी विदाउट हेजिटेशन. आप मुझे बता सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बना के आपके लिए लाऊंगी. एंड आई रिपीट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.